नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द्रव्य गुण आयुर्वेदा में। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं ब्यूटी आइस क्यूब्स, जिसमें 3 इंग्रेडिएंट्स होंगे और ये आइस क्यूब्स आपके फेस के लिए काफ़ी अच्छे होंगे। और अब हम इनके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट कर लिए हैं और इन्हें हमें ग्राइंड कर लेना है। तो मैंने इसे एक पेस्ट बना लिया है और अब हमें इसे छान लेना है, मतलब हमें ओनियन जूस निकालना है, मतलब प्याज का रस हमें लेना है। तो इस जो पेस्ट हमने बनाया है इसे हमें छलनी से इस तरीके से प्रेस करते हुए छानना है ताकि इससे जो रस है वो अलग हो जाए। तो ये हमने ओनियन का सारा जूस जो है वो अलग कर लिया है और ये जो पेस्ट बच गया है ओनियन का, इसे आप डायरेक्टली फेस पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप इसे सब्जी में जो ग्रेवी वगैरह है उसमें काम में ले सकते हैं, या फिर फेस के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है तो आप सीधा फेस पर इसे रब कर सकते हैं। इसके बाद हमें टमाटर ग्राइंड कर लेना है और जिस तरीके से हमने प्याज का रस निकाला है उसी तरीके से हमें छलनी से टमाटर का रस निकालना है। तो इस तरीके से प्रेस करते हुए हमें टमाटर का रस निकाल लेना है। प्याज और टमाटर का रस दोनों ही हमारे फेस के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। प्याज के रस से जो हमारे फेस पे पिंपल्स वगैरह होते हैं वो हटते हैं और टमाटर से फेस पे ग्लो आता है, एक चमक आती है हमारे फेस पे। अब हमें एक ग्लास में इन्हें मिक्स कर लेना है। तो ये ऑनियन का जूस और ये जो टोमेटो जूस है, टमाटर का रस, और अब हमें इसमें आधा नींबू निचोड़ देना है। नींबू में विटामिन सी भरपूर होता है जो फेस के लिए, स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है और भी इसमें काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन से जो डार्क स्पॉट्स हैं उनको दूर करता है और एक ग्लो हमारी स्किन पे लाता है। इन तीनों को हमें ऐड करने के बाद मिक्स कर देना है अच्छे से और अब हमें इसे आइस ट्रे में भर के फ्रिज में रख देना है। तो इस तरीके से आपको ये आइस क्यूब तैयार करनी है और इस आइस क्यूब की ख़ास बात ये है कि इसमें जो 3 इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं वो तीनों ही हमारे चेहरे की स्किन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। आप उन्हें अलग अलग भी यूज कर सकते हैं बट वो तीनों इंग्रेडिएंट अगर आप एक साथ यूज करेंगे तो काफ़ी लाभदायक होगा वो आपके फेस के लिए। और अगर आपका फेस एकदम क्लीन है तो भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो इसमें टमाटर है, नींबू है, वो ग्लो के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आपकी फेस की स्किन एकदम क्लियर है, पिंपल फ्री है, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको रब करना है और अगर आप फेस पे सीधा रब नहीं कर पा रहे हैं तो किसी कपड़े में रख करके इसे रब कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।